हेलो एवरीवन वेलकम टू रविदीदी क्लासेस आज के वीडियो का टॉपिक है इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस वीडियो में हम फ्रेंड्स हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनसे रिलेटेड सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू हंड्रेड को तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखेगा सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं सो so, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है तो so, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देर अ प्रोविजन रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन जो है उसके प्रोविजन के बारे में प्रावधान है या चुनाव आयोग के बारे में प्रावधान है तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं फ्रेंड्स तो इसकी फॉर्मेशन कब हुई ट्वेंटी जनवरी 1950 को इसकी फॉर्मेशन हुई और इलेक्शन कमीशन का हेडक्वाटर भी याद रखिएगा न्यू डेली में इसका हेड क्वार्टर है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म सो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मूल रूप था उसमें कुल कितने आर्टिकल हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिनल फॉर्म में टोटल आर्टिकल्स हैं द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए आर्टिकल 395। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप तो नागरिकता से संबंधित कौन से आर्टिकल हैं देखिए नागरिकता का जो प्रावधान है वर्णन है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर सेकंड में दिया गया है जिसमें आर्टिकल आते हैं आर्टिकल फिफ्थ से लेकर आर्टिकल जो इलेवन है उसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप तो किस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट को सिटीजनशिप से संबंधित जो भी लॉज हैं ये बनाने का राइट है तो ये वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर इलेवन में तो यहाँ से देखिए कोई ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आते आपको आर्टिकल कौन सा है और किस आर्टिकल में उसके बारे में बताया गया बस ये आपको डायरेक्टली इसके बारे में पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल लॉस दैट करटेल राइट है डिक्लेयर वर्इड अधिकारों का अल्पीकरण करने वाली जितनी भी विधियां हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत वो शून्य उनको घोषित की गई हैं द आंसर इज आर्टिकल नंबर थर्टीन नेक्स्ट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द लैंग्वेज टू बी यूज इन पार्लियामेंट इज मैंशनड आर्टी संविधान के किस आर्टिकल में पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली जो लैंग्वेज के बारे में बताया गया है तो ये बताया है आर्टिकल नंबर 120 में नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस पंचायती राज पंचायती राज को कौन सा आर्टिकल डिफाइन करता है द आंसर इज आर्टिकल 243 नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन देवनागरी लिपि में हिंदी को यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में किस आर्टिकल में प्रिस्क्राइब किया गया है द आंसर इज आर्टिकल 343 नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द सुप्रीम कोर्ट द विजिलेंट गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कौन सा जो आर्टिकल है जो कि सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का विजिलेंट गार्डनर यानी सजग प्रहरी बनाता है तो ये है आर्टिकल नंबर थर्टीन Next question which article of the Indian Constitution provides equal opportunity for all citizens in public employment So public employment may sabhi citizens ko equal opportunities kaunsa article provide karta hai? The answer is article number 16 Next question is under the provision of which article of the Constitution of India Bharat Ratna award cannot be used as a प्रिफिक्स और सफिक्सड टू द नेम ऑफ द रेसिपियंट सो भारत रत्न पुरस्कार देखिए किसी भी के के यानी नाम आगे नाम के पीछे यूज नहीं किया जा सकता है तो ये किस आर्टिकल के तहत कहा गया है तो ये है आर्टिकल नंबर 18 के फर्स्ट में ऐसा कहा गया है और ये जो आर्टिकल 18 है ना फ्रेंड्स ये किसके अंडर में आता है ये आता है आपके फंडामेंटल राइट्स के अंडर में और फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है आर्टिकल ट्वेल्व से लेके आर्टिकल थर्टी फाइव तक और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर कौन सा है पार्ट नंबर थर्ड में दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू लाइफ कौन सा आर्टिकल जीने के अधिकार से संबंधित है आंसर इज आर्टिकल ट्वेंटी वन तो ये भी ऑल्सो कैसा है एक फंडामेंटल राइट right. नेक्स्ट है बाई विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दी वियरिंग ऑफ किरपान बाई सिख कंसिडर अ पार्ट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम किस आर्टिकल के द्वारा सिखों के द्वारा जो कृपाण देखिए वो वियर करते हैं उसे रिलीजियस फ्रीडम यानी धार्मिक स्वतंत्रता का पार्ट माना जाता है तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल ट्वेंटी फाइव के तहत और जो फ्रेंड्स आर्टिकल 25 है ना ये ये फ्रीडम ऑफ़ रिलीजन ही है तो आर्टिकल 25 से लेके जो 28 तक दिए गए हैं आर्टिकल्स 25, 26, 27, 28 इसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित ही अधिकार दिए गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल डू इंडियन सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर तो किस आर्टिकल के तहत अपनी लैंग्वेज अपनी स्क्रिप्ट अपने कल्चर को संरक्षित रखने का अधिकार दिया गया तो ये है आर्टिकल ट्वेंटी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच आर्टिकल वॉज रिमूव्ड बाय द फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नाइनटीन सेवेंटी एट तो जो चालीस चौवालीसवा संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा किस आर्टिकल को हटा दिया गया आंसर आर्टिकल थर्टी वन और आर्टिकल नाइनटी नाइनटीन का फर्स्ट का एफ इन दोनों आर्टिकल्स को रिमूव कर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है आर्टिकल थर्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल तो किस आर्टिकल के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है किस आर्टिकल में वर्णित है तो ये है आर्टिकल थर्टी एट नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल इट इज सेट दैट एवरी सिटीजन वेदर मेल और फीमेल विल बी गिवन इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये किस आर्टिकल में कहा गया कि हर एक सिटीजन चाहे वो मेल हो या देखे फीमेल समान काम के लिए इक्वल ही पे किया जाएगा और ये कहा गया है कौन से आर्टिकल में आर्टिकल थर्टी नाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन uh, के किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया डायरेक्ट डेट प्रोविजन फॉर मेटर्निटी रिलीफ सो स्टेट जो है ना वो मेटर्निटी रिलीफ के लिए अपनी तरफ से कोई प्रोविजन कर सकता है प्रावधान करेगा और ये दिया गया है आर्टिकल फोर्टी टू में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द लिविंग वेज फॉर वर्कर्स डिस्क्राइब तो मनरेगा प्रोग्राम से संबंधित जो वर्कर्स की वेजेस है निर्वाह मजदूरी है इसके बारे में संविधान के किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है तो इसका प्रावधान है आर्टिकल आर्टिकल 43 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन ऑफ़ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्कस्ड तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य हैं ये है आपके आर्टिकल फिफ्टी के ए में नेक्स्ट अंडर आर्टिकल फोर्टी एट ए प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ़ एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय डैश तो देखिए जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन की बात कही गई ये था आर्टिकल फोर्टी एट के ए में लेकिन ये किस अमेंडमेंट के तहत ऐसा किया गया था इसे शामिल किया गया था तो इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंडिया प्रोविजन फॉर यूनिवर्सल एडल्टीड किस आर्टिकल में सार्वभौमिक वताधिकार का प्रावधान किया गया है द आंसर इज आर्टिकल थ्री ट्वेंटी सिक्स नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केर्टिकल के तहत प्रेजिडेंट बी गिवन द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन सो so, पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की शक्ति किसे दी गई है प्रेसिडेंट को और ये कहा गया है किस आर्टिकल में आर्टिकल 340। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर विच आर्टिकल कैन दी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट टू इंश्योर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को इंस्ट्रक्शन इशू कर सकता है और ये कहा गया है आर्टिकल थ्री फिफ्टी वन में नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कौन सा आर्टिकल शेड्यूल कास्ट यानी एस टी और एस सी जो जनजाति उनको परिभाषित करता है आंसर इज आर्टिकल थ्री सिक्सटी सिक्स नेक्स्ट है विच आर्टिकल रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर हैज बीन रिपिल्ड जम्मू कश्मीर से संबंधित किस आर्टिकल को निरस्त कर दिया गया है तो आप सभी जानते हैं आर्टिकल 370 हट गया जम्मू कश्मीर से नौ जम्मू कश्मीर क्या है एक यूनियन टेरिटरी है और इंडिया में ही मर्ज कर दिया है मतलब एक तरीके से मर्ज का मतलब ये नहीं कि इंडिया से पहले अलग था मतलब जो पूरी जगह लॉ लागू होते वो सेम लॉ भी अब जम्मू कश्मीर में भी लागू हो रहे हैं नेक्स्ट अंडर विच आर्टिकल स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग सिक्किम इज गिवन सिक्किम के बारे में जो स्पेशल प्रोविज़न है किस आर्टिकल के तहत दिया गया तो ये है आर्टिकल 371 वन एफ नेक्स्ट इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ लोकसभा बाय वन ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का टेन्योर एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाने का जो अधिकार है ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को है और ये किस आर्टिकल में बताया गया है तो इसके लिए आर्टिकल दिया गया है आर्टिकल एटी थ्री नेक्स्ट विच आर्टिकल मैंशंस द नेसेसिटी ऑफ अ गैप ऑफ सिक्स मंथ बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच सिक्स मंथ्स का जो गैप है इसकी अनिवार्यता का उल्लेख कौन सा आर्टिकल करता है मतलब दो सेशन के बीच छः महीने का गैप तो होना ही चाहिए और ये मेंशन करता है आर्टिकल एटी फाइव फ्रेंड्स हमारी जो ई e बुक है जनवरी टू जुलाई सेवन मंथ्स करंट अफेयर्स की आप इस ई e बुक को डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेजिडेंट डिजॉल्व द लोकसभा सो प्रेजिडेंट जो है ना लोकसभा भंग कर सकते हैं और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत कहा गया तो इसका वर्णन है आर्टिकल 85 में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल द प्रोविज़न रिगार्डिंग स्पेशल एड्रेसेस ऑफ़ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन गिवन तो किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के विशेष जो भी एड्रेसेस होते हैं विशेष जो स्पेशल एड्रेस होते हैं उनका प्रोविज़न दिया गया है और ये है आर्टिकल 87 में विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द राइट टू मिनिस्टर्स एंड द अटॉर्नी जनरल टू स्पीक और पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग्स इन ईदर हाउस कौन सा आर्टिकल देखिए मिनिस्टर्स और जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको किसी भी हाउस में बोलने या उसकी प्रोसीडिंग या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार जो है वो प्रोवाइड करता है और ये है आर्टिकल कौन सा एट्टी एट अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट मैं लोकसभा शुड हैव अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी संविधान का कौन से आर्टिकल में मैंशन किया गया है कि लोकसभा में एक तो स्पीकर और एक डेप्यूटी होनी चाहिए तो ये कहा गया है आर्टिकल 93 में नेक्स्ट क्वेश्चन इवन आफ्टर द डिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा द स्पीकर रिमेन्स ऑन हिज पोस्ट टिल जस्ट बिफोर द फर्स्ट सेशन ऑफ न्यू लोकसभा अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिस प्रोविजन मेड सो लोकसभा के देखिए डिजोल्व होने के बाद भी अपने पद पर नई लोकसभा के फर्स्ट अधिवेशन से ठीक पहले तक जो है लोकसभा के वही अध्यक्ष बने रहते हैं तो ये किस आर्टिकल में ये प्रोविजन है तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल नाइन्टी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इफ द वोट ऑफ द पार्टी एंड दी ओपोजिशन आर इक्वल द स्पीकर ऑफ लोकसभा एक्सरसाइज इज हिज डिस अगर कभी देखिए जो पार्टी के और ओपोजिशन के जो हैं वोट्स इक्वल हो जाते हैं तो डिसाइड जो वोट होता है जो डिसाइडिंग वोट होता है वो लोकसभा स्पीकर का होता है और ये कहा गया है आर्टिकल आर्टिकल नंबर हंड्रेड में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल अ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द लोकसभा एंड दी राज्यसभा कैन बी कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट तो लोकसभा और जो राज्यसभा की ज्वाइंट बैठक है ये बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जा सकती है और ये कहा गया है आर्टिकलो एट में नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द मनी बिल विल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा तो मनी बिल जो धन विधेयक है इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 109 में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट एक्सरसाइज जे वी वे पावर किस आर्टिकल के तहत जो राष्ट्रपति हैं वो वीटो शक्ति का प्रयोग करते हैं आंसर इज आर्टिकल 111 नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इज सेंट फॉर द प्रेसिडेंट इज सेंट सदन के दोनों सदन द्वारा जो पारित जो बिल है उसको किस आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट की अनुमति के लिए भेजा जाता है तो ये है आर्टिकल नंबर कौन सा 111। नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजिस हैज़ बीन गिवन सुप्रीम so, कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है जो भी उनके अलाउंसेस हैं इसका प्रावधान दिया गया है आर्टिकल 125 में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द सुप्रीम कोर्ट एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कौन सा आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है तो ये कौन सा है आर्टिकल नंबर वन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन गिवन द पावर ऑफ रिव्यू सो किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को देखिए पुनर्विलोकन यानी पावर ऑफ रिव्यू की शक्ति दी गई है तो ये है आर्टिकल 137 के तहत नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन सा आर्टिकल भारत के जो कैग हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं उनके लिए एक इंडिपेंडेंट ऑफिस का प्रावधान करता है तो ये है आर्टिकल 148। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं गवर्नर को किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया आर्टिकल नंबर 155। नेक्स्ट देखिए अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर हैज बीन गिवन द पावर ऑफ पार्डन किस आर्टिकल के तहत गवर्नर को क्षमा दान की शक्ति दी गई है द आंसर इज आर्टिकल 161। सिक्सटी वन नेक्स्ट अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ लेगिस्टिव काउंसिल इज गिवन लेजिस्लेटिव काउंसिल का मीन्स होता है विधान परिषद विधान परिषद के गठन के बारे में दिया गया है आर्टिकल 169 में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन सिक्स मंथ बिटवीन द लास्ट मीटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ अनदर सेशन यानि जो पहला सेशन हुआ जो अगला सेशन है उसके बीच छः महीने से भी छः महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए और ये कहा गया आर्टिकल एटी फाइव में कौन सा आर्टिकल जो है मनी बिल को डिफाइन करता है द आंसर इज आर्टिकल वन हंड्रेड टेन नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल इट इज़ प्रोवाइडेड दैट द गवर्नर कैन रिजर्व एनी बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेजिडेंट तो किस आर्टिकल के तहत है कि जो गवर्नर है वो किसी भी बिल को प्रेजिडेंट के कंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर सकते हैं उसको आरक्षित कर सकते हैं और ये है किसके अकॉर्डिंग आर्टिकल टू हंड्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल प्रोवाइड द गवर्नर कैन इशू ऑर्डिनेंस गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता है ये कौन से आर्टिकल में कहा गया द आंसर इज ऑप्शन सी आर्टिकल टू हंड्रेड थर्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स द हाई कोर्ट ऑफ एवरी स्टेट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड प्रत्येक राज्य के हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड फिफ्टीन नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल इट इज प्रोवाइडेड दैट दियर विल बी अ हाई कोर्ट फॉर एवरी स्टेट भाई ये किस आर्टिकल में प्रावधान है कि हर एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होगा तो ये कहा गया है आर्टिकल 214 में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स अंडर विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट इज गिवन अब यहाँ देखो हाई कोर्ट के गठन की बात कही गई तो ये प्रावधान दिया गया है आर्टिकल टू हंड्रेड 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल इज द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट गिवन पहले हमने बात करी थी जो आर्टिकल टू फोर्टीन था ये था हाई कोर्ट के गठन की फॉर्मेशन की हाई कोर्ट में भी जो जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जो है वर्णन प्रावधान है आर्टिकल टू हंड्रेड में नेक्स्ट हाई कोर्ट हैव दाइट टू इशू रिट्सा आर्टिकल है जिसके तहत हाई कोर्ट को रिट्स जारी करने का अधिकार है तो ये कौन सा है आंसर इज टू टी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल हैज बीन एडिड बाई द वन हंड्रेड वन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटीन एक सौ एकवे संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार कौन से आर्टिकल को जोड़ा गया था आर्टिकल 279 ए को ऐड किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन इज विश टू आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल पावर टू द राज्यसभा राज्यसभा को स्पेशल पावर कौन से आर्टिकल्स देते हैं तो एक है आर्टिकल 249 और दूसरा है आर्टिकल 312 आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ऑफ दब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्टीचेंसी फंड इज गिवन कॉन्टीचेंसी फंड होता है आकस्मिक निधि तो इसके बारे में जो प्रावधान है ये दिया गया है कौन से आर्टिकल में 267। सिक्सटी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच आर्टिकल डज द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द पावर टू बोरो सेंट्रल गवर्नमेंट को किस आर्टिकल के तहत बोरो यानी उधार लेने की शक्ति है आंसर आर्टिकल 292 नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंशन अबाउट यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज तो यूनियन और इसकी टेरिटरी यानी संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है आर्टिकल फर्स्ट में वेरी इंपॉर्टेंट तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है उनको तो आप हंड्रेड परसेंट देखिए याद रखिएगा जरूर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंशन अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल कमिंग टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत आने वाले जो भी सिटीजन्स हैं उनको नागरिकता के बारे में बताया गया है उनकी किस आर्टिकल में आर्टिकल सिक्स में विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वेलिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में कानून के समक्ष समानता ये एक फंडामेंटल राइट right है और इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल फोर्टीन में नेक्स्ट है देखिए किस आर्टिकल में द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी इज मैंशनड तो अनटचेबिलिटी का अंत जो है किस आर्टिकल में बताया गया है ये कहा गया है आर्टिकल सेवेंटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द ऑफ टाइटल इज जो उपाधि कोई भी अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगा सकता है या नाम के बाद भी तो इसके अंत के बारे में या उपाधियों के अंत के, के बारे में कहा गया है आर्टिकल 18 में नेक्स्ट देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू रिट हैज बीन हैड किस आर्टिकल में रिट संबंधी प्रावधान के बारे में कहा गया है तो ये है आर्टिकल थर्टी टू नेक्स्ट क्वेश्चन किस आर्टिकल में प्रोविजन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत मैंशनड ग्राम पंचायतों के फॉर्मेशन का जो प्रावधान है ये है आर्टिकल नंबर फोर्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड मैंशनड समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में बताया गया आंसर इस अनुच्छेद कौन सा है फोर्टी फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिविजन ऑफ वर्क ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी इज मैंशन यानी कि इस आर्टिकल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो कार्य है जो वर्क है उसका विभाजन उसके डिवीजन के बारे में बताया गया है तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल फिफ्टी में नेक्स्ट है फ्रेंड्स किस आर्टिकल में जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का उल्लेख है मेंशन है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट जो है उनका उल्लेख है आर्टिकल फिफ्टी टू में और करंट में इंडिया की प्रेसिडेंट है कौन द्रौपदी मुर्मू नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में कहा गया है इट इज स्टेटेड दैट द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन विल बी वेस्टेड इन द प्रेजिडेंट तो प्रेजिडेंट जो है जितनी भी कार्यपाली संबंधी शक्तियाँ हैं वो प्रेजिडेंट में नहीं तो होगी ये कहा गया है आर्टिकल नंबर फिफ्टी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंशन अबाउट द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेजिडेंट तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है आर्टिकल फिफ्टी फोर में नेक्स्ट बात करते हैं तो देखिए किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट के टेन्योर यानी जो उनका कार्यकाल है उसका उल्लेख है और प्रेसिडेंट के टेन्योर जो है उसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल फिफ्टी सिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटेड टू इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मैंशनड राष्ट्रपति पर संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है आर्टिकल 61 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल इट इज स्टेटेड दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे ये कहा गया है किस आर्टिकल में सिक्सटी में अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में बात कही गई है अबाउट सस्पेंशन ऑफ पार्ट थ्री ड्यूरिंग इमरजेंसी पार्ट थ्री क्या है हमारा फंडामेंटल राइट right है और आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट right के निलंबन के बारे में कहा गया आर्टिकल थ्री फिफ्टी नाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस आर्टिकल में कहा गया द पावर ऑफ पार्डन बाय द प्रेजिडेंट इज मैंशनड यानी राष्ट्रपति के पास जो तो दिखे समाधान की शक्ति होती है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल सेवेंटी टू में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मैंशनड तो इंडिया के जो महान्यायवादी हैं अटॉर्नी जनरल हैं उनका उल्लेख किया गया आर्टिकल सेवेंटी सिक्स में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट इज मैंशनड यानी पार्लियामेंट का जो फॉर्मेशन है संसद का गठन इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल सेवेंटी नाइन में अब देखिए यहां पे पहले बात हो रही थी किसकी फॉर्मेशन ऑफ पार्लियामेंट यहां बात हो रही है राज्यसभा इस मेंशन राज्यसभा का उल्लेख किसमें है आर्टिकल एटी में नेक्स्ट लोकसभा तो लोकसभा का मेंशन किसमें है तो लोकसभा को मेंशन किया गया है आर्टिकल 81 में ये तीनों ध्यान रखेंगे पार्लियामेंट की अगर पूछेंगे तो आर्टिकल नाइन हो जाएगा उसके बाद अगर राज्यसभा पूछेंगे तो आर्टिकल हो जाएगा एट्टी और अगर पूछे लोकसभा का मेंशन किया गया है आर्टिकल एटी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द दोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया मैंशनड भारत के जो कैग हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं उनका उल्लेख किया गया आर्टिकल 148 में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है तो ये किस बारे में बताया गया है आर्टिकल 155 में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नर टू इशू ऑर्डिनेंस इज मैं किस आर्टिकल में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है ल में कहा गया देर इज अ प्रोविजन फॉर द स्टेब्लाइशमेंट ऑफ न्यू स्टेट नए राज्यों की स्थापना का जो प्रावधान दिया गया है वो है आर्टिकल टू में आर्टिकल सेवन जो है नेक्स्ट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इज मैंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के किस आर्टिकल में संविधान के शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान इसके बारे में बताया गया है तो ये कहा गया है आर्टिकल फाइव में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप ऑफ दोज गोइंग फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान मैंशनड यानी भारत से देखिए पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का जो प्रावधान है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल सेवन में अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ डिप्राइविंग इंडियन सिटीजन ऑन टेकिंग फॉरन सिटीजनशिप इज मैंशनड यानी देखिए अगर आप फॉरन सिटीजनशिप लेते हैं तो उससे आपकी भारत की नागरिकता जो हो जाएगी वो कैंसिल हो जाती है खत्म हो जाती है तो फॉरन की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित होने का जो प्रावधान है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नाइन में अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डी डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मैंशनड स्टेट की परिभाषा राज्य की परिभाषा के बारे में मैंशन किया गया आर्टिकल ट्वेल्व में अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स तो किस आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स को लागू करने में पार्लियामेंट की शक्ति के बारे में बताया गया तो वर्णन किया गया आर्टिकल नंबर थर्टी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में यह इन इनकरेजमेंट टू लेबर एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज जो भी मजदूरी और कटीर उद्योग है उनके प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है आर्टिकल फोर्टी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस और जो ऑब्जेक्ट हैं उनके संरक्षण के बारे में कहा गया आर्टिकल नंबर फोर्टी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर तो किस आर्टिकल में देखिए इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया तो यह वर्णन है आर्टिकल फिफ्टी वन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में Uh, ये मेंशन किया गया है द मेथड रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन होता है जो निर्वाचन संबंधित पद्धति है इसके बारे में वर्णन है आर्टिकल 55 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट इज मैंशनड तो किस आर्टिकल में प्रेजिडेंट के जो री इलेक्शन यानी पुन पुनर्निर्वाचन है उसकी पात्रता के बारे में बताया गया और ऐसा किया गया आर्टिकल 54 में 57 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द प्रेजिडेंट आर मैंशनड भाई प्रेजिडेंट बनने के लिए जो जो क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 58 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए संविधान के किस आर्टिकल में जो है कंडीशंस बताई गई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेजिडेंट तो प्रेजिडेंट पोस्ट के लिए जो भी कंडीशन हैं जो भी शर्तें हैं इसके बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर किस में फिफ्टी नाइन में अगला क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर ऑफ ओथ बाई द प्रेजिडेंट संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है तो ये उल्लेख है आर्टिकल सिक्सटी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेजिडेंट मैं तो किस आर्टिकल में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है इसका उल्लेख किया गया आर्टिकल सिक्सटी थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ मैंशनड दैट देयर इन केस ऑफ इमरजेंसी इन द एबसेंस ऑफ प्रेजिडेंट द वाइस प्रेजिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेजिडेंट कभी कोई इमरजेंसी हो जाती है तो प्रेजिडेंट की एबसेंस में जो वाइस प्रेजिडेंट होंगे वो प्रेजिडेंट के रूप में कार्य करेंगे और ये कहा गया है किसमें आर्टिकल अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ दूशन इज अ प्रोविजन रिलेटेड टू इलेक्शन संविधान के किस आर्टिकल में वाइस प्रेजिडेंट के इलेक्शन से संबंधित प्रोविजन है तो फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द टेन्योर ऑफ दाइस प्रेजिडेंट मैं अब फ्रेंड्स यहाँ बात हुई है कि वाइस प्रेसिडेंट का जो चेन्ड्योर है उनका जो कार्यकाल है इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है तो ये कौन सा है आर्टिकल नंबर सिक्सटी सेवन जिसमें वाइस प्रेसिडेंट के टेन्योर के बारे में, में मेंशन किया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर मेंशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एडवाइस द प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो मंत्री परिषद है इसका उल्लेख है तो फ्रेंड्स इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल सेवेंटी फोर फर्स्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स अबाउट द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू गिव इंफॉर्मेशन टू द प्रेजिडेंट सो किस आर्टिकल में प्रेजिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है इसके बारे में बताया गया है तो इसका वर्णन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर सेवेंटी एट में अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्यूरेशन ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट मैं सो कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में पार्लियामेंट जो है इसकी अवधि जो इसकी ड्यूरेशन है हाउस ऑफ पार्लियामेंट की इसका उल्लेख है इसको मैंशन किया गया तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर एटी थ्री में अगला क्वेश्चन है हमारा द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इज मैं जो पार्लियामेंट की मेबरशिप के लिए योग्यता है कि क्या भाई उसके लिए क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर एटी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्य सभा मैं किस आर्टिकल में राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उनका उल्लेख है तो ये दिया गया है आर्टिकल नंबर 89 में अच्छा फ्रेंड्स अगर बात करें राज्यसभा के चेयरमैन कौन है तो राज्यसभा के चेयरमैन है इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो कि हैं कौन जगदीप धनकर और राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन कौन है उनका भी नाम याद रखेंगे हरिवंश नारायण सिंह अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज मैंशनड संविधान के किस आर्टिकल में जो मनी बिल है जिसे कहते हैं धन विधेयक तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बताया गया है तो ये मेंशन है आर्टिकल वन हंड्रेड टेन में नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंशन किया गया जिसे कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 112 में एक क्वेश्चन फ्रेंड्स अक्सर यहाँ से ये बन जाता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है क्या उसमें बजट शब्द किसी आर्टिकल में मेंशन है तो देखिए बजट शब्द का यूज़ नहीं किया गया है आर्ट कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जगह जो शब्द यूज़ किया गया है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा बजट शब्द कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ प्रेजिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर वन हंड्रेड ट्वेंटी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेन्शंस द स्टेब्लाइशमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो संविधान के किस आर्टिकल में देखिये सुप्रीम कोर्ट की स्टेब्लाइशमेंट उसकी फॉर्मेशन का उल्लेख है तो ये वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द प्रेजिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा है संविधान के किस आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट करने की जो प्रेसिडेंट की पावर है उसके बारे में बताया गया है तो ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 143 में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर मैंशनड सो so, गवर्नर का उल्लेख इस आर्टिकल में है आर्टिकल 153 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट विल बी वेस्टेड इन द गवर्नर सो स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव पावर यानी जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्र राज्यपाल में निहित होती है और ये मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर वन में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द टेन्योर ऑफ़ दी गवर्नर इज मैंशनड किस आर्टिकल में राज्यपाल का जो टेन्योर है कार्यकाल है उसके बारे में बताया गया है आंसर आर्टिकल नंबर 156 नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ़ द स्टेट तो स्टेट का महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 165 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द ड्यूटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग गिविंग इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नर हैज बीन मैंशनड किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में चीफ मिनिस्टर के जो भी कर्तव्य हैं जो उनकी ड्यूटी है उसके बारे में बताया गया है तो ये मेंशन किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 167 में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में प्रोविजन है द प्रोविजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लेगिस्टिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इज मैंशनड तो स्टेट की जो लेगिस्टिव असेंबली है विधानमंडल है उनके गठन का प्रावधान है आर्टिकल नंबर वन सिक्सटी एट में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्टेट मैंशनड तो स्टेट के लिए जो हाई कोर्ट का प्रोविजन है कि भाई स्टेट में हाई कोर्ट होगा तो इसका जो प्रावधान है ये है फ्रेंड्स आर्टिकल 214 में नेक्स्ट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंशनड अबाउट द चेयरमैन एंड द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 182 में नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉवर्स ऑफ दूटी चेयरमैन काउंसिल टू एक्ट एज दिन विधान परिषद के जो डेप्यूटी चेयरमैन का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है तो ये मैं आर्टिकल एग्जाम है इन विच आर्टिकल ऑफ दिट्यूशन हैज इट इज मैंउट द सेक्रेट्रियट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर किस आर्टिकल में राज्य विधानमंडल का जो सचिवालय है सेक्रेट्रियट है उसके बारे में बताया गया है तो फ्रेंड्स ये मेंशन है आर्टिकल 187 में मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे विच आर्टिकल टेल्स अबाउट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ़ द स्टेट लेजिस्लेचर अब देखिए यहाँ जो बजट वाली बात हो रही है उसी को ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सो यहाँ स्टेट जो राज्य विधानमंडल है उसकी वार्षिक वित्तीय विवरण की बात हो रही है तो इसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 202 में अगला क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज एंड हिज कंडीशन ऑफ ऑफिस आर मैं सो हाई कोर्ट जजेस जो है इनके अपॉइंटमेंट और जो उनकी शर्तें होती हैं ऑफिस की उसके बारे में मैंशन किया गया है आर्टिकल नंबर टू हंड्रेड में नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द स्टेब्लाइशमेंट ऑफ अ सिंगल हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट यानी दो और दो से ज्यादा स्टेट के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है और इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल टू थर्टी वन में नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में भारत की जो संचित निधि है जिसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड इसका मैंशन किया गया आंसर आर्टिकल नंबर टू सिक्सटी सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस आर्टिकल में फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग जो है इसके कॉन्स्टिट्यूशन का के बारे में कहा गया है तो इसका जो इसको जो मेंशन किया गया है वो है आर्टिकल नंबर टू में नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल इंडिया सर्विसेज़ मेंशन सो किस आर्टिकल में फ्रेंड्स अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड ट्वेल्व में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द मैंशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड स्टेट जैसे यू या किसी भी स्टेट का पी जो है तो पब्लिक सर्विस जो कमीशन है किसी भी स्टेट या किसी भी यूनियन के लिए ये मेंशन है फ्रेंड्स आर्टिकल 315 में नेक्स्ट है किस आर्टिकल में देखिए द अपॉइंटमेंट एंड द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन इज मेंशनड पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनके अपॉइंटमेंट के बारे में उनका टेन्योर जो रहेगा जो भी उनकी अवधि रहेगी उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल 316 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब इन द लोकसभा इज मैंशनड लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के लिए जो रिजर्वेशन है इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर थ्री हंड्रेड थर्टी में अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा में जो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लिए आरक्षण है उसके बारे में कहा गया है फ्रेंड्स आर्टिकल थ्री हंड्रेड थर्टी टू में अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंशनड अबाउट शेड्यूल कास्ट किस आर्टिकल में देखिए अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है तो इसका वर्णन है आर्टिकल 341 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस आर्टिकल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में मेंशन है तो ये है आर्टिकल 342 तो जो 341 आर्टिकल था उसमें था शेड्यूल कास्ट के बारे में और अगर शेड्यूल ट्राइब पूछेंगे तो आर्टिकल होगा 342 नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन यानी संघ की राजभाषा का उल्लेख इसके बारे में कहा गया तो यह बताया है आर्टिकल नंबर 343 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इज मैंशंड इमरजेंसी की जो घोषणा है इसका उल्लेख किया गया है फ्रेंड्स आर्टिकल 352 में नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द स्टेट इज मैंशनड तो किस आर्टिकल में बताया है स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसके फेलियर हो जाने के दशा में जो भी प्रोविजन अगर किया जाएगा कुछ भी अगर उपबंध किया जाएगा तो उसके बारे में वर्णन है आर्टिकल 356 में नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ़ the कॉन्स्टिट्यूशन mentions सस्पेंशन ऑफ the प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग emergency? Emergency के दौरान आर्टिकल 19 के आर्टिकल uh, 19 का जो जो प्रोविज़न है उसके सस्पेंशन का उल्लेख है तो ये उल्लेख है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 358 में अच्छा फ्रेंड्स अगर हम आर्टिकल नंबर नाइनटीन की बात करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है और ये आर्टिकल कहता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन तो जब इमरजेंसी है तो ये आर्टिकल को सस्पेंड यानी इसको निलंबित किया जा सकता है तो इसका ही वर्णन है आर्टिकल 358 में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मैंशनड वित्तीय आपातकाल के बारे में जो वर्णन किया गया है ये है आर्टिकल नंबर 360 में नेक्स्ट इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज मैंशनड संविधान में कुछ भी संशोधन किया जाता है तो उसका जो प्रावधान है उसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर थ्री सिक्सटी एट में अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट द राइट्स ऑफ सिटीजन ऑफ माइग्रेंट लिविंग आउटसाइड इंडिया इंडिया के बाहर रहने वाले जो माइग्रेंट्स हैं उनके जो राइट्स हैं देखिए जो नागरिक के अधिकार हैं इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है तो ये मेंशन है आर्टिकल एट में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में इंडिया के जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं उनके उनकी ड्यूटीज उनके पावर्स के बारे में बताया है तो ये मैंशन है आर्टिकल वन में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया माइनॉरिटीज़ हैव द राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस किस आर्टिकल के अंतर्गत जो अल्पसंख्यकों के जो जितने जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी स्थापना और उनके एडमिनिस्ट्र आद्ण, यानी प्रशासन का उन्हें अधिकार प्राप्त है और ये कहा गया है आर्टिकल नंबर थर्टी में नेक्स्ट बात करें विच ऑफ़ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रमोट्स इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड फॉर ऑल सिटीजन्स सभी सिटीजन्स के लिए देखिए इक्वल जस्टिस और फ्री जो कानूनी सहायता है इसको प्रमोट करता है आर्टिकल नंबर थर्टी नाइन का ए अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ़ द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट आर एंटाइटल तो किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के वो हकदार हैं तो ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 106 में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस इनमें से कौन सा आर्टिकल अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है प्रोटेक्शन है उससे संबंधित है तो इससे संबंधित है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर ट्वेंटी नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल डैश तो कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेट जो कह जिसमें कहा गया है देयर शेल बी अ कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस टू बी नोन एज दी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से जो पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग होगा और उस आयोग को जाना जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में तो ये मेंशन है आर्टिकल 338 के बी के फर्स्ट में नेक्स्ट है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम डज आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड तो आर्टिकल जो नाइनटीन है उसमें कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएँ है, जो हैं दी गई हैं तो उसमें छः प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में जो है वर्णन किया गया है अगर फ्रेंड्स बात करें कौन कौन सी फ्रीडम है चले एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन उसके बाद आता है असेंबली नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स एसोसिएशन नेक्स्ट मूवमेंट रेजिडेंस एंड प्रोफेशन तो ये सिक्स प्रकार की जो फ्रीडम है इसके बारे में वर्णन है आर्टिकल नंबर नाइनटीन में नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द रिकोगनाइजेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट कौन सा आर्टिकल फंडामेंटल राइट right के रूप में शिक्षा के अधिकार की मान्यता से संबंधित है तो वो है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द सब्सिडरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित है आर्टिकल वन फोर्टी नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में गारंटी दी गई है द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन सो so, कौन से अनुच्छेद में धर्म के स्वतंत्रता से अधिकार की गारंटी देता है तो यह है आर्टिकल 25 से 28 जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में कहा गया है इसके राइट्स के बारे में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टेल्स अबाउट द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर द स्टेट इन सर्टेन मैटर्स कौन सा आर्टिकल कुछ मामलों में राज्यों पर संघ के नियंत्रण के बारे में बताता है तो यह है आर्टिकल टू अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल टू सेवेंटी फोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुज प्रायर रिकमेंडेशन इज रिक्वायर्ड फॉर बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन सो संविधान के अनुच्छेद टू सेवेंटी फोर के अकॉर्डिंग जो टैक्सेशन को प्रभावित करने वाले जो भी देखे बिल्स हैं उनके लिए किसकी पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है प्रायर रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है तो वो है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट की और ये किस आर्टिकल में कहा गया ये भी याद रखेंगे आर्टिकल नंबर टू सेवेंटी फोर के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर विल भी नो डिसक्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट सेक्स प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा सो ये किस आर्टिकल में कहा गया है कि रिलीजन यानी जाति धर्म जाति जो लिंग है जन्म स्थान है उसके आधार पर भेदभाव नहीं होगा ये कहा गया है आर्टिकल नंबर फिफ्टीन में नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट असेंबलिंग पीसफुली विदाउट वेपन्स शांतिपूर्व यानी वेपन्स के बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होना इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल नाइनटीन बी में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री कि भैया आप कंट्री के किसी भी पार्ट में जा सकते हो आप किस आपको स्वतंत्रता है जाने की ये है आर्टिकल नाइनटीन डी क्योंकि आर्टिकल नाइनटीन ही क्या कहता है देखिए फ्रीडम के बारे में बताता है नेक्स्ट इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज मैंशन अबाउट द बैन ऑन चिल्ड्रन बिलो फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम डूइंग हैवी वर्क इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा कि अगर आप चौदह साल से कम आयु के बच्चे को देखिए तो कि किसी भी हैवी इंडस्ट्री में फैक्ट्रीज में काम कराते हैं तो उसके बारे में जो बैन किया गया है ये मैंशन है आर्टिकल नंबर टू ट्वेंटी फोर में नेक्स्ट क्वेश्चन किस आर्टिकल में प्रोविजन है रिलेटेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स मैंशनड सो so, मौलिक अधिकार लागू करने संबंधी जो प्रावधान है इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल थर्टी फाइव में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट इज मैंशनड तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड है आर्टिकल नंबर सेवेंटी वन नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट री एडजस्टमेंट ऑफ सीट आफ्टर एवरी सेंसेस हर एक सेंसेस हर एक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन री एडजस्टमेंट इसके बारे में बताया गया है आर्टिकल नंबर 82 में और अगर सेंसेस की बात करें तो जनगणना होती है ना फ्रेंड्स वो हर 10 साल में कराई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा मैंशनड लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो उल्लेख है ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 93 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा आर मैं तो ये है मेंशन आर्टिकल नाइनटी में नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन एक्सप्लेन किया गया है द प्रोसीजर रिगार्डिंग एस्टीमेट्स इन पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट्स में प्राकलन के संबंध में जो प्रक्रिया है इसके बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है तो आर्टिकल वन हंड्रेड थर्टीन में इसको एक्सप्लेन किया गया है अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द ग्रांटिंग ऑफ पावर्स टू द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टीन रिट्स किस आर्टिकल में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों का प्रदान करना इसके बारे में बताया गया है तो ये वर्णन है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर वन थर्टी नाइन में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर संविधान के किस आर्टिकल में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद का उल्लेख इसका वर्णन है तो ये आर्टिकल वन में कहा गया है अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फॉर्मेशन एंड डिजोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट्स इज मैंशनड राज्य में विधान परिषदों का बनाना और उन्हें भंग करना इसके बारे में किस आर्टिकल में कहा गया है तो फ्रेंड्स इसके बारे में मेंशन किया गया है आर्टिकल 169 में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इन द लेजिस्लेचर इज मैंशनड विधानमंडल में जो मनी बिल है इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है आर्टिकल 199 में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इलेक्शन फॉर द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली विल बी हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज सो लोकसभा विधानसभा के लिए जो निर्वाचन वयक्स मताधिकार के आधार पर होगा इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 326 में नेक्स्ट है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट मैंशनड किस आर्टिकल में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है इसका उल्लेख है तो ये है आर्टिकल 338 में नेक्स्ट है क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन देर इज अ प्रोविजन फॉर चेंज इन द बाउंड्री एंड नेम ऑफ द स्टेट्स किस आर्टिकल में राज्यों की जो बाउंड्री देखिए अगर चेंज करनी हो किसी स्टेट का नेम चेंज करना हो तो इसका प्रोविजन है आर्टिकल नंबर थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द आंसर इज आर्टिकल नाइनटीन ए तो इसमें बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार इसके बारे में बताया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इट इज मैंशन दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉट जस्टिफिएबल तो ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख है कि जो डी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये न्याय संगत नहीं है तो ये है कहा गया है आर्टिकल थर्टी सेवन में नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल आर्टिकल किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है दैट इट इज अ ड्यूटी ऑफ देंट्रल गेंट ऑफ टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेज तो अगर कभी भी कोई एक्सटर्नल एग्रेशन यानी बाहरी आक्रमण होता है या कोई इंटरनल इंटरनल डिस्टरबेंसेस होती है तो उसके अगेंस्ट स्टेट की रक्षा करना सेंट्रल गवर्नमेंट का दायित्व है और यह कहा गया आर्टिकल 355 में नेक्स्ट क्वेश्चन आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है आर्टिकल थर्टीन अगला क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में जो है ये निर्देश दिया गया है द स्टेट टू सिक्योर अ सोशल ऑर्डर डिजाइन टू प्रमोट द द वेलफेयर ऑफ पीपल भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था सुरक्षित करने का निर्देश देता है तो ये कहा गया है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर थर्टी एट में विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट पर्सन नॉट बी एलिजिबल टू बी चूजन टू फिल अ सीट इन पार्लियामेंट नहीं होगा जब तक कि वो भारत का नागरिक ना हो इंडियन सिटीजन होना देखे उसके लिए अनिवार्य है और यह कहा गया है आर्टिकल एटी फोर में नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ दर्टिकल गिवस इट सिटीजन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो कौन सा आर्टिकल अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है तो यह है फ्रेंड्स कौन सा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी फाइव नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज इन दिल्ली कौन सा जो आर्टिकल है ये डिक्लेयर करता है कि सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर वन थर्टी विच आर्टिकल ऑफ़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड इन केसेस कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है तो ये है कौन सा आर्टिकल नंबर ट्वेंटी टू नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ द आर्टिकल फिफ्टीन इनेबल्ड द गवर्नमेंट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवासमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेज इंक्लूडिंग देड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल फिफ्टीन के फोर में नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट कौन सा आर्टिकल किसी राज्य की सरकार के कार्य संचालन से संबंधित है तो ये है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर वन सिक्स विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित जो कानून है सभी अदालत के लिए बाध्यकारी होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट देखिए कोई कानून बनाता है तो वो बाकी जो कोर्ट्स हैं वो उसको मानेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 141 में कहा गया है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये कहा गया आर्टिकल 51 ए में नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट कन्फरिंग पावर्स ऑफ पार्लियामेंट टू स्टेबलाइज सर्टीन एडिशनल कोर्ट्स कुछ अतिरिक्त अदालतों की स्थापना के लिए संसद के अधिकारों को प्रदान करने इसके बारे में बताता है आर्टिकल 247 फोर्टी सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल प्रोविजन इज गिवन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन अवर कंट्री हमारे देश में जो इलेक्टोरल सिस्टम है इसके हेतु जो प्रोविज़न दिया गया है ये है आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेज ऑफ प्रेजिडेंट्स आर मैंशनड राष्ट्रपति के जो भी दिखे परिलब्धि हैं जो भी उनके भत्ते हैं अलाउंसेज हैं इनके बारे में मैंशन है आर्टिकल नंबर फिफ्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर आर्टिकल थर्टी थ्री हु हैज दी पावर टू एब्रोगेट और रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट ऑफ मेम्बर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड पैरामिलिट्री सो आर्टिकल थर्टी थ्री के तहत आर्म्ड फोर्स और जो पैरा मिलिट्री के जो मेम्बर्स हैं उनके मौलिक अधिकारों को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने की जो शक्ति है जो पावर है किसके पास है तो ये पावर है पार्लियामेंट के पास नेक्स्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू दिटीजन्स ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अधीन मूल अधिकार की गारंटी केवल भारत की नागरिक को उपलब्ध है और ये है आर्टिकल नाइनटीन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर ओनली ड्यूरिंग फॉलोइंग सिचुएशन इमरजेंसी किस सिचुएशन में घोषित की जा सकती है या तो कभी वॉर हो गई हो एक्सटर्नल अटैक हुआ हो और आर्म्ड रिवेलियन तो इस कंडीशन में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जा सकता है और ये है आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग 352 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर्स टू द प्रमोशन ऑफ हुज एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट 46 के अकॉर्डिंग शैक्षिक और आर्थिक हितों के संवर्धन को दर्शाता है तो ये दर्शाता है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स गिव द राइट टू कैंडिडेट ऑफ एनी कास्ट टू अप्लाई फॉर एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कौन सा आर्टिकल किसी भी जाति के उम्मीदवार को सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है तो ये है आर्टिकल सिक्सटीन टू अगला क्वेश्चन है किस आर्टिकल में कहा गया है या बताता है अबाउट द लिमिट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन संघ की कार्यकारी शक्ति की सीमा ये बताता है आर्टिकल सेवेंटी थ्री अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स इंडिविजुअल द राइट टू अपील डायरेक्टली टू दाई कोर्ट इफ देअर फंडामेंटल राइट आर वाइलेटेड अगर देखिए किसी भी किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वो उसके लिए सीधे हाईकोर्ट में अपील कर सकता है और ये है आर्टिकल किसके अकॉर्डिंग 226 के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टिपुलेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ द यूज़ ऑफ वेल्स पॉन्ड बाथिंग गार्ड मेंटेन फ्रॉम स्टेट फंड राज्य कोष से जो भी देखिए तालाब हो गए कुएं हो गए या जो भी बातिंग घाट हैं उसका प्रयोग करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता सब उसको यूज़ कर सकते हैं किसी को वंचित नहीं कर सकते और ये कहा गया आर्टिकल नंबर फिफ्टीन में अगला क्वेश्चन है आर्टिकल जो थर्टी टू है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस भाग से संबंधित है तो ये संबंधित है पार्ट थर्ड से जिसमें आते हैं फंडामेंटल राइट्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दर्ल्ड स्टेट डिफाइन इन आर्टिकल ट्वेल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल ट्वेल्व है उसमें परिभाषित जो राज्य है राज्य शब्द है उसका सही अर्थ कौन सा है तो ये है फ्रेंड्स इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एंड अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरेटरी ऑफ इंडिया तो ये इस तरह से जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल ट्वेल्व में नेक्स्ट क्वेश्चन एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा इससे संबंधित कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल नंबर फोर्टी फाइव नेक्स्ट कि इक्वालिटी बिफोर लॉ रिटन इन आर्टिकल फोर्टीन और ये फ्रेंड्स बताना है कि, कि किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है तो कानून के समक्ष समानता ये लिया गया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से विच आर्टिकल लिस्टेड ट्वेंटी नाइन फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले जो ट्वेंटी नाइन फंक्शंस हैं कार्य है उनकी जो पूरी लिस्ट है ये लिस्ट कौन सा अनुच्छेद देता है आर्टिकल टू फोर्टी थ्री जी नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी के एक्विजिशन यानी संपदा के जो अधिग्रहण है इसके बारे में मेंशन है आर्टिकल नंबर थर्टी वन के ए में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस अ सेपरेट सेक्रेट स्टाफ फॉर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट तो ये है आर्टिकल नाइन्टी एट में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अ पर्सन टू मैरी द पर्सन ऑफ हिज चॉइस कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है आर्टिकल नंबर ट्वेंटी वन एंड अगला क्वेश्चन देखिए अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्टेट ऑफ मिजोरम आर मैंशनड मिजोरम राज्य के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन है इसका उल्लेख है आर्टिकल थ्री सेवेंटी वन जी में तो आर्टिकल से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कम्प्लीट हो गए हैं अब टेस्ट की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन देखिए इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर मैंशनड तो गवर्नर यानी राज्यपाल का उल्लेख किस आर्टिकल में है और अगला क्वेश्चन है इन विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मैंशनड तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में बताइए और इसी के साथ जितनी भी देखे आर्टिकल से रिलेट आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं आज के इस वीडियो में हमने उन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो